हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और मैं अभय यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की नई क्लास में, जो कि वेस्ट होने वाली है। टॉपिक आज आपके सामने थंबनेल पे लिखा हुआ आपने देखा होगा कि आज आपको क्यूब पे वेस्ट क्वेश्चन करने हैं। घन पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उन सवालों को आज हल करना है, क्योंकि आपने पिछले दो पार्ट वर्ग और आयत के पढ़े हुए हैं। तो वर्ग और आयत जो बातें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो 2D में होती हैं, 2D होती हैं। आज उन्हीं का 3D रूप जो होता है वर्ग घन और घनाभ होता है। तो घनाभ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हमें घन पढ़ना है। तो स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप सभी लोग, आ गए हैं जितने भी लोग, एक बार सभी लोग लाइक कर दें और चीज़ों को एक बार शेयर कर दें। इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने पढ़ने वाले मित्रों के साथ, अपने अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे, ताकि नए नए लोग जुड़ सकें, नए नए लोगों को फायदा पहुँच सके। चलिए, तो आप लोग शेयर करते रहें और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, सबको राम राम, सबको नमस्कार। चलिए तो स्वागत करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की नई क्लास जो कि हमारी होने वाली है किस पे, क्यूब पे। अभी थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि क्यूब होता क्या है। क्यूब इंग्लिश में क्यूब कहलाता है और इंग्लिश में हिंदी में इसको घन कहते हैं। फिगर की मैं बात करूं, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते रहें तब तक मैं जो भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता हूं उसको समझा लूं। तो इसकी एक फिगर की मैं बात करूं, तो इस तरीके का अगर आपने फिगर कहीं बना देखा होगा तो उसी को हम घन बोलते हैं। इस तरीके से जो भी आपका 2D होता है, या मैं सीधे से बात कहूँ, अगर आपने कहीं पांसा बना हुआ देखा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। सीधी सी बात, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें इक्वल हों, एक ऐसी आकृति 3D आकृति जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें इक्वल हों, और उन्हीं लेंथ ब्रेथ हाइट जब तीनों चीज़ें इक्वल हों उन्हीं को हम बोल देते हैं साइड साइड, या फिर हम उसी को बोल देते हैं क्या, भुजा। ठीक है ना, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इस पे वेस्ट हमारे जो सवाल बनते हैं वो कौन कौन से सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि इस पांसा के अंदर, इस कमरे के अंदर, इस घन के अंदर कितनी जगह होगी, और उस जगह को हम मैथ की भाषा में बोलते हैं आयतन, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। उसका फार्मूला होता है, घन का जो आयतन होता है, घन के आयतन का फार्मूला जो होता है वो होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, भुजा क्यूब जो होता है वो किसका फार्मूला होता है, घन के आयतन का फार्मूला होता है। दूसरी बात आप यहाँ से ये समझ लीजिए, आपसे ये पूछेगा कि इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा, कितनी जगह लगी, तो उसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, कमेंट कर रहे होंगे, 6 × भुजा स्क्वायर। 6 × भुजा स्क्वायर जो फार्मूला होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। दूसरी एक और बात आपसे पूछ लेगा कि इस घनाकार कमरे के अंदर सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, या सबसे अधिकतम लंबाई की भुजा कौन सी होगी, या सबसे अधिकतम लंबाई कहाँ पर हो सकती है। तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी कमरे के अंदर सबसे अधिकतम लंबाई उसके विकर्ण पर होती है, विकर्ण पर होती है। और घन का जो विकर्ण होता है, घन का जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला होता है, जल्दी से आप लोग नोट कर लें, भुजा इंटू अंडर रूट थ्री। ठीक है ना, तो ये तीन फार्मूला आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, 6 × भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल, भुजा क्यूब आयतन, और भुजा इंटू अंडर रूट थ्री जो होता है वो काय का फार्मूला है, इसके विकर्ण का फार्मूला है। तो ये इसकी पूरी कहानी है, आपके सामने है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत समझते हैं तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट बना लें, ताकि आपको आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में इन फार्मूला का यूज होगा, आप आराम से इनको इंप्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, तो ये तीन बेसिक से फार्मूला है, लंबाई चौड़ाई ऊँचाई इक्वल होती है। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल होती है, उसी को हम भुजा बोलते हैं। उसका क्यूब आयतन होता है, 6 × भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, और भुजा इंटू अंडर रूट थ्री विकर्ण होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक सी बात रही, इसको मैंने 1-2 मिनट में कवर कर लिया। अब जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम अपनी क्लास की ओर मूव करेंगे, जैसे डेली हमारी क्लास होती है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको पढ़ना होगा, आंसर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आंसर कमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सॉल्व भी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो आज का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर लगा दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड लगा दीजिए और एक बार पढ़ने दीजिए सबको। ये फार्मूला आपके सामने रहेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे, नोट करने वाले लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अभी इसको सॉल्व कराएंगे। तो फटाफट एक बार क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट करिएगा आंसर, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तब तक मैं चेक करता हूँ आप तक सारी चीज़ें ठीक ठाक पहुँच रही हैं या नहीं। चलिए जल्दी करिए,
चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लगा हुआ है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसी कुछ भी कोई भी बात नहीं है जो आपको परेशान कर सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी, और आप तक सारी चीज़ें ठीक ठाक पहुँच रही हैं, आवाज़ भी ठीक पहुँच रही है और आप तक आवाज़ भी ठीक पहुँच रही है और वीडियो भी ठीक पहुँच रहा है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि एक घनाकार बक्से का आयतन, आपको घनाकार बक्से का आयतन दिया गया है और कितना दिया गया है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3.375 मीटर क्यूब। आयतन जो आपको दिया गया है 3.375 मीटर क्यूब दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस बक्से की लंबाई ज्ञात करिए, उसकी लंबाई बोल दे, चौड़ाई बोल दे, ऊंचाई बोल दे, कहने का मतलब हमसे आपसे पूछ क्या रहा है, भुजा पूछी जा रही है, ठीक है ना। अभी ध्यान से आप समझिए, अभी आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कमेंट करने वाले लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आयतन जो आपको दिया गया है वो आयतन क्या होता है, आपको क्लियर है कि आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब के बराबर होता है। तो भुजा क्यूब बराबर हमें दिया गया है 3.375, भुजा क्यूब बराबर हमें दिया गया है 3.375 मीटर क्यूब, और इससे हमें निकालना है भुजा। अब देखिए अगर आप यहाँ से भुजा निकालना चाहते हैं या लंबाई निकालना चाहते हैं तो इसका हमें घनमूल करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो हमें घनमूल करना पड़ेगा किसका, 3.375 का। दूसरी बात, अब अगर आपको ये घनमूल करना नहीं आ रहा है तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने आपको पिछले एक महीने के अंदर आपको सबसे पहला जो वीडियो दिया था एक घनमूल निकालने की ट्रिक दी थी, उसको आपने फेसबुक पे भी देखा होगा और आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, तो घनमूल निकालने की ट्रिक आप वहाँ से सीख सकते हैं। आज की जानकारी के आधार पर मैं आपको ये बता दूं कि 3375 जो घन होता है वो 15 का होता है, आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से 3375 के, अगर आप इस तरीके से, हालांकि इसको ऐसे करना नहीं है, मैंने बोला कि घनमूल का वीडियो देखिएगा, इस चीज़ को आप विद इन सेकेंड करना सीख जाएंगे। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए 15 का घन होता है, तो अगर आप 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3, फिर 15 दूनी 30 हो जाएगा, बचेगा 7, 15 अपना 75 हो जाएगा, फिर एक बार 15 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा, और फिर एक बार 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, तो ये 15 का घन होता है। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिल जाएगा 1.5 मीटर की भुजा है, ठीक है, क्योंकि ये 15 का है और 15 है और 3 अंक बाद दशमलव है, तो 1.5 मीटर की जो भुजा है वही आपकी लंबाई है। तो लेंथ बराबर जो पूछी जा रही थी वो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। इस चीज़ को आप विद इन सेकेंड करना चाहते हैं, अगर आपको घनमूल, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 30 तक स्क्वायर्स और 20 तक क्यूब 100% याद होने चाहिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी में बैठे हैं तो 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए और 20 तक घनमूल, तो आपको घनमूल तो 100% याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर लेंगे, फिर भी ये चीज़ें आप सीखना चाहते हैं कि कैसे क्यूब रूट किया जाता है, तो उसका मैंने वीडियो आपको प्रॉपर दिया हुआ है, तो उस वीडियो को देखिए, देख के बताइएगा आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1.5 मीटर कमेंट करने वाले सभी मित्र ठीक हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। सर इस क्वेश्चन को हटाइए क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए बोर्ड पे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, भुजा क्यूब बराबर इतना दिया गया था, तो भुजा बराबर क्यूब रूट हो गया, आंसर आ गया 1.5 मीटर, ठीक है ना। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए बोर्ड पे, इसको मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आज की क्लास में मैंने थोड़े से इजी इजी क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रखें, इनको आप आराम से हल कर लेंगे, ध्यान से देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना होगा। ध्यान से सुनिए, अच्छा सवाल है, पूरे फार्मूला इसमें लगेंगे। सबसे पहली बात तो हमसे दे क्या रहा है कि घन का विकर्ण दे रहा है, और विकर्ण कितना दे रहा है, 6√3 सेंटीमीटर का। सबसे पहली बात, विकर्ण आपको दिया है 6√3 सेंटीमीटर का, और चीज़ें आपसे पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात आयतन आपसे, इन दोनों का आपसे रेशियो पूछ रहा है, ये चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ आगे, सबसे पहले देखिए जो आपको ये दिया जा रहा है विकर्ण, तो सबसे पहले जिन लोगों का आंसर आता जा रहा है वो लोग कमेंट करते रहें, बाकी यहाँ पे कराया जा रहा है अपना आराम से चेक कर लीजिएगा। तो जिनको विकर्ण दिया गया, तो विकर्ण देखिए, विकर्ण बराबर दिया गया 6√3, और विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा √3, तो हम लिख सकते हैं कि भुजा √3 बराबर दिया जा रहा है 6√3,
भुजा अंडर रूट थ्री बराबर दिया जा रहा है 6√3, क्योंकि विकर्ण का फार्मूला ही होता है भुजा अंडर रूट थ्री, ठीक है ना। सेकंड आप देखेंगे ये अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कट जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि जो ये घन दिया जा रहा था उसकी भुजा जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर की है। जो ये घन दिया जा रहा था उसकी भुजा जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट आप जैसे ही देखेंगे अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो अगर आपको भुजा पता चल गई है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भी मैंने लिखाया था स्टार्टिंग में, 6 × भुजा स्क्वायर होता है, और हमसे दूसरी बात आयतन पूछा जा रहा, तो आयतन का फार्मूला भुजा क्यूब होता है। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको भुजा 6 की मिल गई है तो आप लिखेंगे 6 × 6 स्क्वायर, रेशियो में आप कहेंगे 6 का क्यूब, क्योंकि भुजा क्यूब निकालना है। दूसरी बात यहाँ देखेंगे, 6 ये हैं और 6 स्क्वायर ये हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 6³ इधर भी बन जाएगा और 6³ इधर भी बन जाएगा। अनुपात में फिर वही बात, अगर चीज़ें कट रही हैं तो काट दोगे, तो आंसर दो आपका जो आएगा वो आएगा 1:1, 1:1। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:1। क्यों? क्योंकि 6 × भुजा स्क्वायर करोगे, 6 × 6 का स्क्वायर करोगे, तो ये भी आपका 216 बनेगा और 6 का क्यूब भी 216 बनेगा, 216 से 216 कट जाएंगे, 1:1 आंसर आपका आएगा, 1:1 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 कमेंट करने वाले सभी मित्र मेरे ठीक हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में बनेंगे 3D वाले पोर्शन से। ध्यान से समझते हुए चलें, पैट टेट सुपर टेट या जो भी बीएड वाले अभी साथी एग्ज़ाम देंगे जुलाई में, तो सभी साथियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये, बेहद ज़रूरी है ये चीज़ें समझना। ध्यान से समझते हुए चलें, विकर्ण दिया जा रहा था भुजा अंडर रूट थ्री बराबर 6√3, √3 से √3 कट गया, भुजा बराबर 6, ये फार्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया 1:1। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कमेंट किया था, बधाई के पात्र हैं, आप सभी का आंसर ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई उम्मीद कोई समस्या नहीं होगी, और अगर कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट बनाना तो स्क्रीनशॉट बनाइए, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। और सर इस क्वेश्चन को हटा के क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी देखते रहें, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि चीज़ें फार्मूला बेस्ड हैं, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हटा के सर क्वेश्चन नंबर 5 लगा दीजिए जल्दी से, अभी साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, और उस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ के एक बार अच्छे से बताइएगा, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, और चीज़ें मिक्स चल रही हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी एक क्लास में किसी एक आकृति को उठाते हैं और उस आकृति का पूरा समझते हैं, पूरा उसके बारे में समझते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट में वर्ग और आयत को समझा था। तो आज जो भी मेरी पूरी बात होगी वो किस पे बात होने वाली है, क्यूब पे बात होने वाली है, जिसके 2 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, 3rd क्वेश्चन आपके सामने है, 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। यदि एक घन की प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दी जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन कह रहा है 125% की होगी, 50% की होगी, 100% की होगी और 75% की होगी। सबसे पहली बात देखिए, समझने वाली बात है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करते रहें, क्योंकि ऑफलाइन वाले बहुत से लोगों को हमने ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, तो आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक फिर से घन बना दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी कोई भुजा, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं, और तीनों ही बातें बराबर होती हैं तभी ये घन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसकी भुजा को हमने बढ़ाया है कितना, 50%, भुजा में कितनी वृद्धि करी है, 50%। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, या क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे एक और पूछ लेगा कि आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो आयतन का मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपसे क्षेत्रफल की बात करें, अभी मैं आयतन वाली चीज़ को थोड़ी देर के लिए गायब कर रहा हूँ, जब भी आपसे ये पूछे कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, आयतन की बात फिर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला काम, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन बोले कि ऐसी भुजा पर बढ़ाया गया क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप ये देखिए कि कितने प्रतिशत बढ़ाया गया, भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया। तो आप कहेंगे भुजा को 50% बढ़ाया गया, और तुरंत उस प्रतिशत का फ्रैक्शन बनाइए, तो आप कहेंगे कि 50% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 50/100, और 50/100 काटोगे तो फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/2, फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/2। और इस 1/2 का मतलब भी ये है कि अगर भुजा 2 रही होगी, तो उसमें वृद्धि कितने की करी जा रही है, 1 की, 2 पे वृद्धि कितने की करी जा रही है,
है ए की, ठीक है ना। इस बात को समझिए, भुजा 50% बढ़ाई की, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, तो भुजा अगर 2 की रही होगी तो वृद्धि कितने की करी जा रही है, 1 की, यानी कि भुजा 2 की रही होगी तो वृद्धि 1 की करके 3 की बना रहे हैं, ठीक है। इस बात को ऐसे लिखेंगे, ये अभी आयतन वाला खत्म करते हैं, ठीक है। हमें अभी हम क्षेत्रफल वाला बता रहे हैं, चलो क्षेत्रफल वाला समझिए। हम कहेंगे कि 2 की भुजा थी तो उस पर 1 की वृद्धि करके कितने की बना दी, 3 की। और अगर आपसे क्षेत्रफल की बात करेगा कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसी बात को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 से 1 की वृद्धि हो रही तो 2 से 3 बनाया, 2 से 3 बनाया। क्षेत्रफल में हमें 2 बार लिखना पड़ेगा और आयतन में 3 बार लिखना पड़ेगा, यही बात है, यही समझने वाली बात है। क्षेत्रफल में 2 बार लिखना पड़ेगा, हमने 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर भुजा 4 रही होगी, तो इधर साइड कितनी हो जाएगी, 9, सॉरी अगर क्षेत्रफल 4 रहा होगा, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर से भी मल्टीप्लाई, इधर से भी मल्टीप्लाई, तो अगर क्षेत्रफल 4 रहा होगा तो क्षेत्रफल अब कितना हो गया होगा, 9, नई वाली भुजा के अकॉर्डिंग 9 हो गया होगा। यहाँ से अब हम ये देखेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो अब हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वो चीज़ आप यहाँ से देखेंगे। 4 से 9 पहुँच गए, 4 से 9 पहुँच गए तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, 5 की बढ़ोतरी हुई है, तो आप कहेंगे 5 की बढ़ोतरी हुई है, कितने से 4 से गुणा 100, ठीक है। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से ये कटेंगे 25 बार, और 25 × 5 = 125 होता है, तो क्षेत्रफल आपका 125% बढ़ गया, यही आपका आंसर है। अभी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा समझा दूंगा इस चीज़ को, लेकिन आप एक बार फिर से दोबारा सारी बातें समझिए। भुजा 50% बढ़ाई थी, 50% की फ्रैक्शन बनाना पहला काम, तो 1/2 होता है तो 2 पे 1 की वृद्धि की जाएगी, तो 2 से 3, 2 से 3। क्षेत्रफल के लिए 2 बार लिखेंगे, आयतन के लिए 3 बार लिखेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए 2 बार लिखा हुआ है तो 2 से 3, 2 से 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो गया 4, इधर हो गया 9, यानी कि 4 से हो गया 9, और 4 से 9 हो गया तो वृद्धि कितने की, 5 की, कितने पे, 4 पे, गुणा 100, क्षेत्रफल आपका 125% बढ़ गया। और 125 बढ़ गया तो पहला ऑप्शन जिन्हें जिन्हें कमेंट किया था, सभी मित्र बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट बनाने वाले साथी जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाएं, मैं साइड हो जाता हूं, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो जल्दी से नोट करें, चलिए तो ये आपका नोट हो गया, और इस क्वेश्चन का आंसर 125% रहेगा, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही क्वेश्चन अगर आपसे आयतन का पूछता तो हम यहाँ से 2 से 3 एक बार और लिखते, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो सर इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 33 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 33 लगा दीजिए जल्दी से, और उस क्वेश्चन में आपको सारी बातें समझाते हैं, तो क्षेत्रफल तक आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ पाए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए तो सर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, और उसमें हमसे आयतन पूछा गया, तो इतना मैं रफ करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 33 एक बार पढ़िए, समझिए, और उसके बाद आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसको मैंने रफ कर दिया, क्वेश्चन नंबर 33 का बताइए जल्दी से। क्वेश्चन कहे क्या रहा है कि यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया, अब की बार जो भुजा में वृद्धि करी जा रही है वो कितनी करी जा रही है, भुजा में वृद्धि हो रही है 10% की, ठीक है। और क्वेश्चन ने हमसे पहले, हमने पहले ही बताया था आपको, या तो क्षेत्रफल पूछेगा या आयतन पूछेगा, तो इसमें पूछ रहा है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, आयतन पे इफेक्ट पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए। 10% की वृद्धि करी तो 10% का फ्रैक्शन बनाइए, 10% का फ्रैक्शन बनाओगे तो 10/100, 10/100 की जो फ्रैक्शन आती है वो कितनी आती है, 1/10, 10% की जो फ्रैक्शन आती है वो कितनी आती है, 1/10। इस 1/10 का मतलब है अगर भुजा 10 की रही होगी तो उस पर 1 की वृद्धि कर रहे हैं, तो फिर हम 10 से क्या बना रहे हैं, 11, 10 से क्या बना रहे हैं, 11, ठीक है ना। 10 पे 1 की वृद्धि करके कितना बना रहे हैं, 10 से 11। बस समझने वाली बात यह है कि अगर आयतन पूछा है, तो ये 3 बार लिखा जाएगा, तो 10 से 11, बस ये मेरी कहानी है। यही सवाल क्षेत्रफल का होता तो केवल 2 बार लिखते, ठीक है। क्षेत्रफल 2D का होता है, आयतन 3D का होता है, इसलिए 3 बार करते हैं। चलिए तो इधर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 1000, क्लियर है। इधर का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये हो गया आपका 1331। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो वृद्धि परसेंट अगर हम बताएंगे, इफेक्ट परसेंट हम बताएंगे, तो देखिए कितने बढ़ गए, 331, कितने से, 1000 से, गुणा 100, बढ़ कितने गए, 331 कितने से, 1000 से, गुणा 100, तो ये दो बिंदी आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस बिंदी से 1 अंक का दशमलव लग जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 33.1% की वृद्धि हो जाएगी।
33.1% की वृद्धि हो जाएगी। और 33.1% बोले तो ऑप्शन नंबर 4 कमेंट करने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, चाहे ये परसेंटेज वाले चैप्टर में जाके पूछेगा, चाहे ये आपसे 2D 3D और ये मेंसुरेशन में आके पूछेगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये आयतन और क्षेत्रफल पे इफेक्ट वाले क्वेश्चंस में आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो फिर से मेरा ये आग्रह रहेगा कि एक बार सभी साथी अच्छे से, जितने भी लोग देख रहे हैं, थम्सअप भेजने का काम करें और यहाँ तक ऐसा सूचना देने का काम करें कि हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो हमको पढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है, जो हमको समझाए जाने की कोशिश करी जा रही है, वो चीज़ें आप बाकायदा समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार थम्सअप करिए और जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर लें, ठीक है ना। जिन साथियों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर दें और बाकी लोग थम्सअप भेजने का काम करते रहें, जिससे हम लोगों की, हमारी टीम की हौसला अफजाई का काम होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसमें स्क्रीनशॉट बनाने वाली कोई बात है नहीं। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11 आंसर आपका आ गया 33.1% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा के सर क्वेश्चन नंबर 11 लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन नंबर 11 आने वाला है, इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आएगा, उसको एक बार पढ़िए और समझिए, आंसर कमेंट करने का काम करिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आया हुआ है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, एक बार पढ़ते रहें, जिन साथियों को आ रहा है वो लोग कमेंट करते रहें, बाकी लोग थोड़ा सा वेट करें, अभी आपके सामने उसको हल कराया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है कि दो घनों के घनफल का मतलब यह है कि दो घनों के आयतन, ठीक है ना। तो दो घनों के घनफल का मतलब जब उनके क्यूब लिए गए होंगे, जब उनके घन किए गए होंगे, तब जो हमें फल मिला, मतलब आयतन, ठीक है ना। तो दो घनों के घनफल का अनुपात है 27:64, ठीक है ना। तो हमें क्या बोला जा रहा है, आयतन का अनुपात। पहली बात, आयतन का जो अनुपात दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 27:64, ठीक है। चलिए, 27:64 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ये अनुपात वाले क्वेश्चन भी अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपने आप को अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से समझने का काम करें। आयतनों का अनुपात आपको दिया जा रहा है कितना, 27:64। आयतनों का अनुपात दिया जा रहा है 27:64। आपको क्लियर है कि जो भी घन रहे होंगे, दो घन हैं, ठीक है, तो एक घन का आयतन कितना है 27 और दूसरे घन का आयतन कितना है 64। सबसे पहली बात कि जो भी घन रहे होंगे उनके आयतन का फार्मूला क्या लगा होगा, भुजा क्यूब लगा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि पहले वाले भुजा क्यूब किया गया होगा घन पहले की, तो हमें मिला होगा कितना, या देखिए ऐसे लिखिए, और दूसरे वाले घन की भी भुजा क्यूब किया गया होगा, तभी तो दोनों के अनुपात मिले होंगे। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये 27:64 है, तो क्लियर है। अगर भुजा क्यूब बराबर 27 है, ये भुजा क्यूब बराबर 64 है, तो 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है और 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। तो एक बात क्लियर है कि ये जो दोनों घनों की बात करी जा रही है, पहले वाले घन की भुजा जो रही होगी 3 रही होगी और दूसरे वाले घन की भुजा जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 4 रही, ठीक है। पहले वाले घन की भुजा 3 रही होगी, दूसरे वाले घन की भुजा 4 रही होगी। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर है, जो हमें आयतनों का अनुपात दिया गया। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों के लिए तो फार्मूला लगेगा 6 × भुजा स्क्वायर, पहले वाले के लिए भी लगेगा और दूसरे वाले के लिए भी यही लगेगा, 6 × भुजा स्क्वायर। थोड़ा सा मैंने चीज़ें पहले वहाँ लिख दी, दोबारा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझते रहें सिस्टम से। तो 6 × भुजा स्क्वायर, अब इसकी भुजा आई है 3, तो इसका स्क्वायर रहा होगा कितना, 9। दूसरे वाले की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ भी लगेगा 6 × भुजा स्क्वायर, बट उसकी भुजा 4 आई है, तो कितना रहा होगा, 16। और आपको मालूम है कि अनुपात में जो चीज़ें कटती हैं उनको काट दिया जाता, तो 6 से 6 कट जाएंगे, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 9:16। जो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 9:16, ठीक है।
आयतनों का अनुपात दिया गया था 27:64, 27:3 का होता है, 64:4 का होता है, तो भुजा पहले वाले की 3 आई, दूसरे वाले की 4 आई। क्लियर। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर दोनों के लिए ही लगेगा, तो 6×9, 3 का वर्ग होता है 9 और 6×4 का वर्ग होता है 16, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए तो 9:16 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं बेझिझक स्क्रीनशॉट बनाइए, मैं साइड में हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम टू सेम लेके आऊँगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 कमेंट किया था, सभी लोग बिल्कुल सही हैं, सभी लोग बिल्कुल सही हैं, उसमें किसी भी प्रकार की अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से समझ लीजिएगा। देखिए एक बात मैं आपको और यहीं पे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी आप मेरे पास थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं थोड़ी एक बात क्लियर कर दूँ। अगर आपको आयतन का अनुपात दिया गया है, अगर आपको आयतन का अनुपात दिया गया है कितना, 27:64, ये बात ध्यान से समझ लें, इस बात को अच्छे से समझिए। आयतन का अनुपात दिया गया है 27:64, मतलब ये किसी ना किसी का क्यूब है, ये किसी ना किसी का क्यूब है, और वो आपने पहले ही बताया किसका किसका क्यूब है, 3 और 4 का। तो अगर आप इसका घनमूल कर लोगे, 27 का घनमूल करोगे, 3 और 4 का घनमूल करोगे 64, तो ये हमारा आ जाएगा भुजाओं का इस अनुपात। यही सवाल अगर हमसे ये पूछता कि भुजाओं का अनुपात बताओ, तो मेरा आंसर क्या होता, 3:4। भुजाओं का अनुपात बताओ तो आंसर क्या होता, 3:4। और अगर आप इनका वर्ग कर दोगे तो वो हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16, भुजाओं का अनुपात 3:4, और आयतनों का अनुपात तो दिया ही गया है। तो मतलब घातें 3 लगी होंगी तो आयतन का अनुपात, घात 1 लगी होगी तो भुजाओं का अनुपात, घातें 2 लगी होंगी तो क्षेत्रफल का अनुपात। ये 3 बातें भी आप समझ सकते हो तो इतनी पूरी कहानी से बच जाओगे। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 यहाँ से भी आएगा, और 9:16 यहाँ करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर इस क्वेश्चन को हटा के तुरंत क्वेश्चन नंबर 48 लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आएगा साथियों। और इस क्वेश्चन में आपको अब कुछ भी नहीं सोचना है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप सभी का आना चाहिए, जल्दी से आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ें मैंने आपके लिए रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करते रहिए, और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एकदम लाइन से इसका आंसर बताने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 लगा, इसको मैं रफ करता हूँ। 48 बताइए जल्दी से, पढ़िए, कमेंट करिए, काम करते रहें जल्दी जल्दी, क्योंकि चीज़ें सरल हैं, समझने योग्य हैं और इंटरेस्टिंग हैं, तो उनको पढ़ते रहें, समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आना चाहिए, सबका आना चाहिए, बताइए भाई जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 48 लगा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात, ठीक है ना, दो घनों के आयतन का अनुपात है कितना, 64:125। ये तो बड़ा सरल सवाल है। ठीक है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ आंसर, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते रहें ताकि ये पता चलता रहे आप समझ पा रहे हैं। आयतन किसी न किसी चीज़ का क्यूब होता है, तो आपको पता है कि अगर हम भुजा तक पहुँच जाएंगे, अगर हम भुजा तक जाना चाहें तो 64:4 का होता है और 125 5 का होता है, तो भुजाओं का अनुपात आ गया 4:5, भुजाओं का अनुपात आ गया 4:5। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा ही नहीं, उसने पूछ दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, और क्षेत्रफल का पूछा है, तो इन्हीं का स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो 4×16 = 25, तो आपका आंसर आ गया 16:25। और 16:25 जितने भी लोग आंसर कमेंट कर रहे थे, ऑप्शन नंबर 3 जितने भी लोग आंसर कमेंट कर रहे थे, सभी मित्र मेरे बिल्कुल ठीक है, सभी दोस्त बिल्कुल सही हैं। बस केवल ये ध्यान रखिए कि घातें 3 लगी हैं तो आयतन होगा, घात 1 लगी है उसी का घनमूल कर लिया है तो भुजाओं का होगा, और वर्ग कर लिया है तो क्षेत्रफलों का होगा। 16:25 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का जिन लोगों ने 16:25 आंसर दिया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन को भी हटा दीजिए, अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आपके सामने इनको कराया जाए, तो बाकायदा आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे हों। और एक बार बताइए, अब यहाँ तक आप बताइए कि घनमूल में जो भी आपको डर लगता था, घनमूल के सवालों को करने में आपको जो हेजिटेशन होती थी, ठीक है ना, तो अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस होती थी वो अब आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको फार्मूला याद रहेंगे और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कराई जाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो सर इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 48 को हटा के क्वेश्चन नंबर 34 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 34 34 देखिए,
34 बढ़िया क्वेश्चन है और ध्यान से देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो हालिया एग्ज़ाम में पूछा गया है, अच्छा सवाल है। और कभी कभी देखिए 3D और 2D या मेंसुरेशन की मैं बात करूं तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसमें भी फार्मूला बेस्ड है। सवाल कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं लिखता हूँ आप लोग अपने आंसर कमेंट करते रहें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 337.5। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 337.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से हमें उसकी भुजा ज्ञात करिए, भुजा आपसे पूछी जा रही है। चलिए ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपको भुजा पूछी जा रही है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, ये बात आपको बताई गई है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि 6 × भुजा स्क्वायर होता है। वो मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि 6 × भुजा स्क्वायर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वही दिया गया है 337.5। तो यहाँ से आप अगर कहना चाहें कि भुजा स्क्वायर हम इधर अकेला छोड़ दें और ये 6 मल्टीप्लाई वाले कहाँ चले जाएंगे डिवाइड में, तो 337.5 में हम 6 का अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कटेगा 6 से, 6 बनजे 30, बचे कितने 3, तो बन गया यहाँ पे 6×36 यानी कि 37 बन गया, तो 6×36 ठीक है। यहाँ से आपका कितना बचा 1, वो बना देगा 15, और अगर 15 बना देगा दशमलव लगेगा, तो 6×2 = 12, बचे कितने 3, और 3×30 बन जाएगा, तो 6×5 = 30। तो कुल मिला के हमें एक बात पता चल गई कि भुजा स्क्वायर बराबर जो है वो कितना है, 56.25 है, 56.25। भुजा स्क्वायर बराबर जो है वो 56.25 है, 56.25 है, ठीक है। और अब हमसे आपसे ये निकालना है कि भुजा क्या होगी, तो ध्यान से देख लें। अब फिर से वही बात कि अब हमें वर्गमूल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर अगली स्टेप हम करेंगे तो भुजा बराबर जो होगा वो 6.25 का ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 56.25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब फिर से वही बात कि स्क्वायर रूट करने आने चाहिए, तो ये वर्गमूल करना है, और इस वर्गमूल का मैं आपको एक प्ले पहले मैं वीडियोज़ दे चुका हूँ वर्गमूल और घनमूल निकालने के, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखने पड़ेंगे वर्गमूल और घनमूल, क्योंकि उसको यहाँ पे नहीं करवा सकते, फिर आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, ये घनमूल वाला टॉपिक हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से समझिए कि अब आपको इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, लेकिन वर्गमूल करना और घनमूल निकालना आपको पुराने वीडियो से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अब हमें भुजा चाहिए है तो भुजा बराबर हमें क्या निकालना पड़ेगा, √56.25 इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, ठीक है। वर्गमूल करने के लिए देखिए कि पीछे के दो डिजिट से हमें यहाँ मिल जाएगा कितना 5, और ये जब मैं देखूंगा कि यहाँ पे 56 है, और 56 जो क्रमागत संख्याएं होती हैं 7 और 8 का गुणनफल होता है, 7 और 8 का गुणनफल होता है, उसमें छोटी वाली नंबर उठा के यहाँ लिख ली जाती है, तो ये 5625 जो है वो 75 का वर्ग है, लेकिन यहाँ पे 56.25 है, तो हम कहेंगे कि जो भुजा आई वो मेरी आई 7.5, जो भुजा आई वो कितनी आई 7.5। तो इस तरीके से चीज़ें हमने आपको पिछले वाले पार्ट में, पिछले वाले जो वीडियोज़ मैंने पढ़ाए हुए हैं वर्गमूल और घनमूल के नाम से, दोनों वीडियो मिलेंगे, उनको आप देखिए, उनसे आप समझिए। तो यहाँ पे जो हमसे भुजा पूछी जा रही थी उसका आंसर मेरा कितना रहने वाला है, 7.5 रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वर्गमूल करना पड़ेगा, बाकी हमें क्षेत्रफल दिया गया था, भुजा हमने निकाल के बता दी है। अगर क्वेश्चन हमसे बाय द वे पूछ लेता कि इसका आयतन बताओ, तो फिर हम 7.5 का 3 बार गुणा करते या उसका भुजा क्यूब कर देते, तो मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए तो यहां तक आप चीजें आराम से कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो 35 नंबर रहेगा उसको अभी मत लगाइएगा, 35 नंबर को आप होमवर्क के लिए देंगे और होमवर्क बाद में मैं दे दूंगा। तो अभी आप जो क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 34 के बाद, डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 13 आप लगाएंगे बोर्ड पे, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देने का काम भी आप लोग करिए जल्दी जल्दी, और फिर देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है, और इसके बाद का जो मैंने क्वेश्चन छुड़वाया हुआ है उसको भी मैं देखूंगा, उसको मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट करें, अच्छा सवाल है और बढ़िया एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 13, तो पढ़िए एक बार, आंसर कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार कमरे में फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, एक कमरा रहा होगा जैसा मैंने अभी आपके बनाया था, और उसमें फर्श का क्षेत्रफल जो है वो कितना है 48, फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 48 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर होगा, कितना है मीटर है,
जी 48 वर्ग मीटर है, तो 48 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस कमरे में कितनी अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, रॉड रखी जा सकती है। तो अधिकतम लंबाई की छड़ रखने के लिए मैंने आपको बोला था उस कमरे का विकर्ण निकाल के हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर और 6 मीटर, बाद की बात है, पहले मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझिए। फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है और अभी तक इस फर्श की तो बात कहीं ना कहीं हुई नहीं थी। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई, जिसकी ऊँचाई सारी चीज़ें बराबर हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊँचाई सारी चीज़ें बराबर हैं, तो उसकी जो फर्श रही होगी, उस कमरे की जो फर्श रही होगी, वो अपने आप में एक वर्ग रहा होगा कि नहीं रहा होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि एक पांसा ले लीजिए या एक ऐसा कमरा ले लीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीज़ें बराबर हैं, और उस कमरे की जो फर्श रही होगी या उस कमरे की जो छत रही होगी या उस कमरे की सामने की दीवार रही होगी या पीछे की दीवार रही होगी, साइड की दोनों दीवारें रही होंगी, किसी की भी मैं बात कर लूँ, तो उस कमरे की जो दीवारें रही होंगी या उस कमरे की जो फर्श और छत रही होंगी, वो अपने आप में एक वर्ग होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल वर्ग होंगी, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीज़ें बराबर हैं। तो यहाँ पे जो फर्श रही होगी वो भी वर्ग रही होगी, तो फर्श का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? भुजा स्क्वायर, और वो हमें दिया गया है कितना? 48। यहाँ से अगर हम भुजा निकालना चाहते हैं, चाहे उस कमरे की फर्श की, चाहे उस कमरे की, बात एक ही है, तो अगर हम भुजा निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा अंडर रूट 48। और अंडर रूट 48 को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी सी जगह में, अंडर रूट 48 को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से 48 के क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर करने पड़ेंगे। दो से काटोगे ये 24 बार कटेगा, फिर दो से काटोगे 12 बार कटेगा, फिर दो से काटोगे 6 बार कटेगा, फिर दो से काटोगे 3 बार कटेगा, और फिर 3 से काटोगे 3 × 3। जिनके जोड़ा बन जाते हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं, तो 1 2 का जोड़ा यहाँ बन गया, 1 2 का जोड़ा यहाँ बन गया, तो यहाँ से जो हम कहेंगे कि जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी? 4√3। यहाँ से जो हम कहेंगे कि जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी? 4√3। और 4√3 भुजा, बिल्कुल समझ में आई या नहीं समझ में आई? मेरी बात ध्यान से सुनिए, फर्श का क्षेत्रफल 48 दिया गया था, फर्श का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 48, तो भुजा आई √48। √48 आपके सामने किया, तो भुजा मेरी जो निकल के आई वो कितनी आई? 4√3 मीटर की, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसी कमरे में हमें विकर्ण बताइए या सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ कितनी, रॉड कितने मीटर की रखी जा सकती है, तो वो हमें उसके लिए विकर्ण बताना पड़ेगा। और विकर्ण का फार्मूला होता है क्या? भुजा इंटू √3। और भुजा आप पहले ही निकाल चुके हो 4√3, तो 4√3 × √3 दोनों करोगे तो 4 × √3 √3 बन जाएगा, तो 12 मीटर की जो विकर्ण होगी या 12 मीटर की अधिकतम लंबाई की रॉड रखी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर, जो लोग 12 मीटर कमेंट कर रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, और यहाँ तक चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। बस केवल समझने वाली बात ये थी, फर्श का क्षेत्रफल बोला गया है, तो फर्श अपने आप में एक वर्ग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने लगाया ये। तो पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, आराम से समझिए, रोक के समझिएगा, बाद में समझिएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है तो आप आराम से बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आराम से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, भुजा निकाली और विकर्ण निकाल के बता दिया, तो 12 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आप आराम से बना लेंगे। सर एक क्वेश्चन और लगा दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18। सर 13 क्वेश्चन नंबर हटा के क्वेश्चन नंबर 18 लगा दीजिए, और 18 को भी देखते हैं जल्दी से, आप लोग भी आंसर दे देंगे 18 का, 18 नंबर का आंसर आप लोग भी बताएंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे उसको, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो देखिए, घन अगर हम कहीं बनाएंगे, अभी मैंने 2-3 बार बनाया हुआ है, घन अगर कहीं भी बनाएंगे और फलक उसकी मतलब एक ऊपर वाली दीवार, कहीं भी दीवार, ठीक है ना, तो ये मैंने क्या बोल दिया, एक इसकी ये फलक है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फलक का परिमाप, एक फलक का परिमाप कितना दिया गया है? 20 मीटर दिया गया है। एक बात समझिए, मैम पिछला क्वेश्चन अभी जो आपको समझाया उसमें भी मैंने यही बात कही कि किसी भी फलक को हम उठाएंगे तो वो फलक अपने आप में क्या होगी? वर्ग होगी। और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही होगी, ये फलक जो होगी वो अपने आप में क्या होगी? वर्ग होगी। अब की बार हमें इसका क्षेत्रफल नहीं दे रहा है, अब की बार हमें इसका परिमाप दे रहा है, और कितना दे रहा है? 20 मीटर। और आप एक बात समझिए कि घन की जो फलक होगी उसका परिमाप, या वो सीधी सी बात, वो वर्ग होगी, और वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा।
तो 4 गुणा भुजा बराबर अगर 20 दिया जा रहा है तो 4 से 20 कट जाएंगे तो भुजा बराबर निकल के आएगा कितना 5 मीटर। भुजा बराबर कितना निकल के आएगा 5 मीटर। और भुजा बराबर अगर 5 मीटर निकल के आ गया तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब इस सवाल का हमें आयतन बताइए। तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब यानी कि 125 मीटर क्यूब, 125 मीटर क्यूब। परिमाप फलक का बोला गया है और फलक अपने आप में वर्ग होती है, इसलिए 4 गुणा भुजा बराबर 20 तो भुजा बराबर 5 और आयतन बराबर 125 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो आपका रहेगा सेंटीमीटर है तो ये पूरा क्वेश्चन ही हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो उससे परेशान मत होइएगा, इकाई अपनी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 कमेंट करने वाले सभी मित्र मेरे बिल्कुल ठीक थे। अब सर आप एक नंबर जो क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया था, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 को लगा दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, यहाँ लाइव चैट में नहीं देंगे। इसके बाद जो कमेंट बॉक्स ऑन होता है उस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर मैं वहाँ पे देखता हूँ कि आपको घन से संबंधित चीज़ें समझ में आई या नहीं समझ में आई। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, इतने ही क्वेश्चन आपके लिए थे जो क्यूब से वेस्ट बनने वाले थे। नेक्स्ट क्लास आपके लिए क्यूबॉइड की होने वाली है, घनाप पे होने वाली है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, गर्मी की वजह से रोकते हैं क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, चीज़ों को सीखते रहिएगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। चलिए तो नमस्कार, मिलते हैं नई क्लास में। टाटा बाय बाय, शुभरात्रि।